अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट असमतुल्लाह एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू टैग। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को चंद एक एप्लीकेशंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके ज़रिए आप जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हैं। जो दोस्त भी वीडियो एडिट करते हैं या एडिट करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक जो है ना एप्लीकेशन के ज़रिए वीडियो एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर तीन ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊँगा, जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से जो है ना अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जिस किस्म की आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, ताकि मैं मुकम्मल आप लोगों को इस वीडियो में गाइड कर सकूं, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल उर्दू टैग पे न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर जो एप्लीकेशन है उसका नाम है फिल्मोरा गो। ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है वीडियो एडिट करने के लिए। मैंने इसको तीसरे नंबर पे इसीलिए रखा है कि ये एप्लीकेशन थोड़ी सी मुश्किल है, इस पर काम करना जो है ना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे आप अपनी वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने आगे क्लिक कर देना है। तो इस तरह का कोई इंटरफेस आपके सामने इसका शो होगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन थीम है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे थीम लगा सकते हैं। इसके बाद म्यूज़िक है, यहाँ पे कोई भी अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है ना आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है इसका, रेशो एंड क्रॉप। अपनी वीडियो का साइज़ जो है ना छोटा बड़ा कर सकते हैं, हम हिसाब से जहाँ पर अपनी वीडियो का साइज़ रखना चाहते हैं। तो ये भी आपने इस तरह जो है कोई ना कोई आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद चौथा ऑप्शन है एडिट टूल्स। सबसे बेहतरीन इस एप्लीकेशन का यह टूल है कि इसके ज़रिए आपको नीचे तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप अपनी वीडियो को जिसमें भी एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, वॉइस ओवर है, ऑडियो मिक्सर है, फिल्टर है, ओवरले है, और इसके अलावा एलिमेंट्स है, टाइटल है, मतलब आप अपनी वीडियो को कोई टाइटल देना चाहते हैं टाइटल लिख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जो है ना इसमें चीज़ें मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप जो है ना अपनी वीडियो को बहुत ही ज़बरदस्त एडिट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल एप्लीकेशन है वीडियो एडिट के लिए, लेकिन थोड़ी सी जो है ना बाकी दो एप्लीकेशन की वजह से थोड़ी सी मुश्किल है इस पर वर्क करना, तो इस वजह से मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे जो एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग के लिहाज से उसका नाम है पावर डायरेक्टर। बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग के लिहाज से। तो चलते हैं अब इसके जो है ना मेन फंक्शन की तरफ, कि इसमें जो है ना वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मैं शॉर्टकट आपको इसमें जो है ना बताऊँगा कैसे आप जो है ना वीडियो एडिट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीनों साइज में से कोई भी एक साइज़ आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं 16x9 साइज को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है ना मैं कोई भी वीडियो अपनी सेलेक्ट करता हूँ जिसमें जो है ना मैंने एडिटिंग करनी है। तो यहाँ पे पहले से ही एडिट शुदा एक वीडियो है, मैं उसको जहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ओके करके यहाँ पे प्लस वाले निशान पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो जैसे कि आपके सामने ये मेरी वीडियो सामने आ गई, तो अब मैंने इसको सिंपली इस पर एडिटिंग करनी है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर ऑप्शन पर आता हूँ। यहाँ पर जो है ना अगर आपने अपनी वीडियो में कोई भी टाइटल देना है, तो यहाँ पर आपने सिंपली वो वीडियो टाइटल यहाँ पर प्ले करके आपने चेक कर लेना है कि किस तरह से आपका ये टाइटल शो होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइटल्स हैं, कोई भी टाइटल जो है ना आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके चलते हैं एक और ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे नीचे जो है ना ये भी किसी एक किस्म का टाइटल है। यहाँ पे जो है ना आप इस पर भी कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ना कोई नीचे प्लीज़ ऐड योर टेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और अपना टाइटल दे सकते हैं अपने वीडियो को। अब चलते हैं इसके सबसे अहम हिस्से की तरफ, जो कि जो है ना अगर आप अपने वीडियो को यहाँ पे पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे यहाँ ऊपर पिक्चर वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है। अगर इमोजी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर जो है ना आपने क्लिक कर लेना है। टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अब चलते हैं इसके सबसे इसके एम हिस्से की तरफ। वो यहाँ पे नीचे एंड पे यहाँ पे पेंसिल नंबर इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसके ज़रिए आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है वॉल्यूम, फिर फिल्टर, फिर एडजस्टमेंट, स्पीड, मतलब अपनी वीडियो को स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इफेक्ट हैं, स्किन, स्मूथनर। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऐप है जो है ना इसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पे जो है ना आप अपने स्किन को जो है ना फेस वगैरह को जो है ना अपने ब्राइटनेस को बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो जो कि दूसरी है, अगर कोई फेस वीडियो बनाता है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है ना कोई भी अपने फेस वगैरह को जो है ना आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे पेन एंड जूम, इसको जूम भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, रोटेट अपनी जो है ना वीडियो को रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे फ्लिप वाला ऑप्शन है, इसके अलावा डुप्लीकेट अपनी इस वीडियो को डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए आप अपनी वीडियो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना एडिट कर सकते हैं। तो यह था दूसरे नंबर पर जो है ना एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप वीडियो एडिट कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो एडिटिंग के लिहाज से सबसे पहले नंबर पर जो एप्लीकेशन है जिसको मैं नंबर वन पर जाना रखना चाहता हूँ वो एप्लीकेशन है काइन मास्टर, जिसको मैं ख़ुद भी जो है ना इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ करता हूँ और उसको जो है इसके ज़रिए जो है अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है इस जो है ना एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी वीडियो को एडिट करने का। तो सिंपली आपने जो है ना अपने काइन मास्टर को अपने जो है ना मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपने इस पर प्लस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी साइज़ अपना इसको जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं 16x9 वाला को यहाँ पे साइज़ को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने साइज़ को सेलेक्ट किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इसका डिस्प्ले शो हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, पहले मीडिया फिर लेयर उसके बाद ऑडियो और वॉइस ओवर। यहाँ पर आप कोई अपने जो है बैकग्राउंड ऑडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, मतलब आप साथ बोलते जाएँ यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग होती जाएगी। इसके बाद मीडिया के ज़रिए जो है आप अपने कोई भी वीडियो यहाँ पर जो है अपनी कोई भी वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये अपनी पिक्चर को जो है ना मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसका साइज़ जो है ना आप अपने हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इसको आपने अगर स्क्रीन के हिसाब से फिट करना है तो यहाँ पे इसको जो है ना आप जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट और जूम इन कोई भी जो है ना इस पर जो है ना आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको वॉइस ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपने म्यूज़िक जो है ना कोई भी अपने बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा लेयर वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे इफेक्ट होंगे, ओवर रिले, टेक्स्ट और यहाँ पे हैंड राइटिंग वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए जो है ना आप अपनी वीडियो को जो है ना बहुत आसानी से जो है ना एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब एंड पे जो है आपने इसको सेव कैसे करना है, तो यहाँ पे तीन निशान या शेयर वाला ऑप्शन पड़ा है, यहाँ पे इसको जो है अपने शेयर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। इसको जैसे आप इसको ओके करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तकरीबन सिंपली यहाँ पे 720 से जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ HD और यहाँ पे इसको जो है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और आसानी से जो है सेव हो जाती है। तो बहुत ही आसान एप्लीकेशन है वीडियो को एडिट करने के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मज़ीद आप अपनी राय देना चाहते हैं कि कौन सा आपको जो है ना अच्छा कौन सी एप्लीकेशन आपको अच्छी लगी है तो नीचे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।